नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिटशॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे, ये एक सैमसंग लैपटॉप है और अब इसमें इशू क्या है हम देखते हैं। एक्चुअली इसमें जो है ये लैपटॉप में पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और ये सैमसंग का जो पासवर्ड है वो आप भूल चुके हो, आपको याद नहीं है। तो अभी इस पासवर्ड को हम कैसे खोलेंगे, ठीक है, कैसे इस पासवर्ड को हम निकालेंगे, ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड डालता हूँ, एंटर करता हूँ, अब ये तीन बार आपको पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। एक बार वापस से डाल देता हूँ, ये थर्ड बार है मैं डाल रहा हूँ, एंटर कंटिन्यू। अभी देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम पासवर्ड एंट्री फेल, सिस्टम डिसेबल, और नीचे एक कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इस कोड से आप इस पासवर्ड को निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालना है आज हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा लैपटॉप है, अभी चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जो है एक वेबसाइट है, वहाँ पे एक नाम डाल देना है। देखिए अभी यहाँ पे पासवर्ड बायस क्या है, bios-pw.org, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाकर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। तो आप जैसे ही एंटर करते हो, देखिए नीचे यहाँ पे एंटर योर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो कोड हमने देखा था, मैं यहाँ पे डालता हूँ 41 EA 6B 6B 073 0 73 4D 4D 75 75 01 4 C 91, ओके। अब ये कोड यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे गेट पासवर्ड, और जैसे ही मैंने गेट पासवर्ड यहाँ पे किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इस लैपटॉप का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये पासवर्ड है। अभी सीधा मैं वापस से ये लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से मैं अभी इसका जो कनेक्शन है पावर का वो मैं हटा देता हूँ, और वापस से हम क्या करेंगे, अभी लैपटॉप को यहाँ से ऑन करेंगे, ठीक है। मैंने ऑन कर दिया लैपटॉप को, तो अभी जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे डालता हूँ, और यहाँ पे एंटर, ठीक है, एंटर कर दिया, और आप देख सकते हो उसका जो पासवर्ड है वो मिल गया, यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ से अभी हमारा विंडो जो है वो खुल चुका है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसे, इस पासवर्ड को निकालना, यहाँ से आप अब लॉग इन कर सकते हो। और अब ये जो बायस का जो पासवर्ड होता है, ये पासवर्ड अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको वापस से बायस में जाना पड़ेगा, और बायस में जाके वो पासवर्ड आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने वापस से ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे इसके लिए बूट की होती है एक तो F2, ठीक है, F2, या फिर अभी वापस से वही पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं बायस में यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये डायरेक्टली विंडोज में चला गया, शायद अभी मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो इसलिए मैं वो नहीं कर पाया, लेकिन
यहाँ पे नीचे जो दिखाता है कि बायस में अगर आपको एंटर करना है तो आपको F2 दबाना है। कुछ लैपटॉप के लिए डिलीट बटन भी हो सकता है अगर F2 वहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, अब ये शटडाउन हो गया। मैं इसे अभी वापस से ऑन कर दिया मैंने और यहाँ पे मैं F2 बटन दबा रहा हूँ। ठीक है, वापस से पासवर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पासवर्ड ऑन बूट एनेबल यहाँ पे किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, मतलब बायस में सेट है सुपरवाइजर पासवर्ड जो है एंटर करंट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करंट पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, ओके। ठीक है, देखिए आप वहाँ पे आप देख सकते हो सुपरवाइजर पासवर्ड क्लियर क्लियर आ रहा है। और यहाँ पे मैं F10 दबाकर आप यहाँ पे देख सकते हो F10 सेव एंड एग्जिट, F10 मैं दबा रहा हूँ और यस कर देता हूँ। ठीक है, तो जो पासवर्ड था अभी वो निकल गया है। ठीक है, अभी हमारा लैपटॉप जो है वो डायरेक्टली ऑन हो गया है। ठीक है, तो जो ये इशू था इस लैपटॉप का, जो बायस पासवर्ड का, वो अब क्लियर हो चुका है और डायरेक्टली हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला जो नया वीडियोज़ है वो आपको मिलता रहे। तो देखते रहिए हेडशॉट फिल्म्स। थैंक यू वेरी मच।